सर आज आप कांग्रेस ज्वाइन करने वाले थे, क्या रहा तब ज्वाइन करने? नहीं, मेरी बातचीत, क्योंकि कल मैंने कहा था कि मैं पूरे दिन भर व्यस्त रह गया, आप सब लोगों से बातचीत करने में पूरा दिन मेरा निकल गया, तो मेरी आज सुबह बातचीत हुई है। अब वो मुझे बताएंगे कि आगे क्या होना है, तो इसलिए मैं कोई बातचीत अभी, क्योंकि कल पूरे दिन भर एक मिनट की भी मुझे फुर्सत नहीं मिली, 10 बजे 11 बजे तक तो मैं व्यस्त रहा। तो सर क्या प्रोग्राम है, अकेले ज्वाइन कर रहे हैं कि बहू के साथ? नहीं, अब वो क्योंकि वो तो सामाजिक कार्यकर्ता है, अभी वो कोई किसी भी राजनीतिक दल की सदस्य नहीं है, तो एक जैसी भी स्थिति बनेगी और जो भी कांग्रेस से बातचीत हुई है और वो जो भी निर्णय करेंगे तो फिर वो जैसे भी मुझे बताएंगे फिर उस तरह का आगे का कार्यक्रम होगा। सर किसी से बात नहीं, मेरी बातचीत हुई है उत्तराखंड के दोनों जो लीड ऑपोजिशन है उनसे भी बातचीत हुई है, प्रदेश अध्यक्ष से बातचीत हुई है, प्रभारी से बातचीत हुई है और वो आपस में बातचीत करके फिर हाईकमान से बातचीत करके फिर मुझे बताएंगे कि आगे क्या रणनीति रहेगी और आगे क्या कार्यक्रम रहेगा। हरीश रावत जो कह रहे हैं उस पर आपकी प्रतिक्रिया क्या है? वो कह रहे हैं 2016 के मसले, देखिए ठीक है 2016 में बहुत पुरानी बात होगी, मैं कल भी आपसे कह चुका हूँ कि एक परिस्थितियां होती हर चीज के लिए, उस समय परिस्थितियां अलग थी और ये ठीक है कि मैं उस बात से कोई इनकार कर ही नहीं रहा हूँ, वो तो क्योंकि जो चीज हो गई हो गई, उसको लेकर मैं कोई बात नहीं कर रहा हूँ और वो ठीक है। हरीश भाई ने भी उस समय जो भी कहा और हमने भी जो किया, उस समय जब एक दूसरे के पाली एक दूसरे की टीम के साथ खेलते हैं तो बहुत सारी परिस्थितियां होती हैं, ऐसा नहीं कि उस समय भी कुछ गलतियां हमसे हुई, कुछ गलतियां हरीश भाई से भी हुई, मैं हरीश भाई के साथ भी 4 घंटा बैठा था, बातचीत सारी सौहार्दपूर्ण हुई थी उस समय भी, लेकिन कुछ अपने नजदीकी लोगों कारण हरीश भाई भी उस समय जो बातचीत रात के 10 बजे से लेकर 2 बजे तक हुई थी उसमें वो भी एक भी इम्प्लीमेंट नहीं कर पाए और मेरे अंदर भी वो नाराजी थी, तो कारण ये था कि फिर वो बात अब आगे बढ़ गई। तो अगर उस समय जो हरीश भाई और मेरी बातचीत हुई थी तो बाकी वैसे हरीश भाई ने हमारे सारे काम जो भी विकास के काम मैंने उनसे कहे उन्होंने किए उस समय। देखिए आज वो इसलिए नहीं कि अब मैं आज उनकी पार्टी में सम्मिलित होने के लिए बातचीत हुई है, मैंने आपको ध्यान होगा मैं जितने भी न्यूज चैनलों के कार्यक्रम हुए उन सब मंचों पर मैंने ये कहा कि मेरे उनसे बहुत अच्छे संबंध है, वो प्रदेश के बड़े नेता हैं। अगर केवल कांग्रेस और भाजपा की बात नहीं करूं, मैं केवल कांग्रेस की बात नहीं कर रहा हूं, मैं भाजपा यूकेडी किसी भी दल की, वो अपने आप में उनका धारचूला से लेकर जसपुर मंगलौर तक और पांडुकेश्वर से लेकर मंगलौर तक और नहीं जसपुर तक, वो पूरा प्रदेश में एक लोग उनको एक वरिष्ठ नेता है प्रदेश के और मेरे तो बड़े भाई हैं और हम लोगों में राजनीतिक चाहे कितनी भी मन भिन्नता रही हो लेकिन एक दूसरे के सुख दुख में सुख में साथ खड़े हुए हूं, उन्हें खड़े हूं लेकिन दुख में हमेशा एक दूसरे के साथ खड़े हुए हैं, चाहे उन पर कोई दुख आया हो उनके उस दुख में हम साथ रहे, मेरे पास मेरा खुशी का कोई अवसर रहा हो, मैंने कल भी कहा कि मेरे बेटे की शादी में बारात देर से पहुंची, वो 3 घंटा बारात में इंतजार करते रहे जबकि कुछ सोच भी नहीं सकता था कि नहीं तो लोग अनौपचारिकता निभाते हैं, तो मैं इसलिए कह रहा हूं कि राजनीति के कारण व्यक्तिगत संबंधों को और राजनीति को बिल्कुल मैं अलग, जैसे मैं जब कांग्रेस सरकार में था भाजपा के लोग मुझ पे आते थे तो मैं व्यक्तिगत संबंधों को कभी राजनीति के आड़े नहीं आने देता हूं। हरीश जी से बात करेंगे आप एक दो दिनों में? नहीं बातचीत होगी, बड़े भाई हैं, बातचीत मेरे पहले भी होती थी, ऐसा नहीं कि उनसे कोई बातचीत नहीं होती थी। सर देहरादून के विधायक हैं मनोज रावत, उन्होंने कहा वो देखिए मैं किसी के कोई टिप्पणी, हर व्यक्ति को अपनी बात कहने का अधिकार होता है। सर, ठीक सर, क्या माफी मांगेंगे? हो गया।